दिल्ली में लोगों का दम अब घुटने लगा है। लोग सुबह से शाम तक धुएं से ढके दिल्ली और इसके आसपास इलाके में जहरीली सांस लेने को मजबूर हैं। वायु प्रदूषण दिल्ली का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार लगातार पांचवें दिन तक गंभीर वायु गुणवत्ता के बाद दिल्ली में प्रदूषण का स्तर मंगलवार को थोड़ा कम हुआ और बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। देश के सबसे प्रदूषित शहरों में आज शीर्ष पर उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा है, जहां AQI 441 दर्ज किया गया। इस मामले पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों हमलावर है। एक तरफ आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि हरियाणा और यूपी सरकार के निकम्मेपन के चलते दिल्ली वालों को जहरीली सांस लेनी पड़ रही है। नमस्कार, आज दिल्ली के लोगों को हरियाणा उत्तर प्रदेश की वजह से मजबूरन जहरीली सांस लेनी पड़ रही है। आज दिल्ली के प्रदूषण का अगर कोई कारण है तो वो NCR के शहर है। मैं नहीं कह रहा, एक रिपोर्ट बता रही है कि दिल्ली के अंदर 69% पॉल्यूशन जो है वो बाहर के राज्यों से आता है, पड़ोसी राज्यों से आता है, क्योंकि दिल्ली की सरकार तो पिछले 8 सालों से लगातार प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। आज दिल्ली देश का पहला ऐसा शहर है जहां पूरे का पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम या तो CNG पे या इलेक्ट्रिक पे। इसके पलटवार में बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फटकार लगाए जाने के बाद आम आदमी पार्टी को लोगों से माफी मांगनी चाहिए। फटकार के बाद कम से कम आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता से माफी मांगनी चाहिए और केंद्र पर, यूपी पर, हरियाणा पर प्रदूषण का दोष डालना बंद करना चाहिए और अपनी जो जिम्मेदारी है उसको उठाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की जो तल्ख टिप्पणियां आई है पंजाब की पराली को लेकर और जिस प्रकार से दिल्ली गैस चेंबर बन चुकी है उसको लेकर, आज स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी पूर्ण तरीके से विफल रही है और उन्हीं के कारण आज दिल्ली गैस चेंबर बन चुकी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में खतरनाक प्रदूषण स्तर के बीच पंजाब सरकार से कहा था कि हम चाहते हैं पराली जलाना बंद हो, और अब प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बैठक बुलाई। इसके बाद उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पराली जलाने, पटाखे और वायु प्रदूषण को लेकर अपनी राय दी है। हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करेगी और इसी के साथ दिल्ली में प्रदूषण से लड़ने के लिए अब ऑड इवन भी लागू कर दिया गया है। अभी ऑड इवन लागू करने का निर्णय सरकार ने लिया है, उसको लेकर के कुछ ऑब्जर्वेशंस मीडिया में अभी मैंने देखा है, उसके बाद हमने ये निर्णय लिया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको एक बार स्टडी करने के बाद फिर उसके डिटेल प्लानिंग को उसके अनुसार हम बनाएंगे और फिर वो आपके सामने सूचित करेंगे। नहीं, अभी जो नियम कानून हम जो बना रहे थे उसके लिए, उसमें हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को इनकॉर्पोरेट करेंगे और वो स्टडी करने के बाद निर्णय लेंगे। बता दें कि जहरीले स्मॉग के कहर से दिल्ली NCR के सभी इलाके बेहाल हैं। जहरीले धुएं के कोहराम ने लोगों का सांस लेना दूभर कर दिया है। लोगों को गले में खराश, आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत होने लगी है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के मुताबिक दिल्ली NCR में अभी अगले 2 दिन तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार ही रहने वाली है।